आज हम एक्सरसाइज 1.3 की इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू करेंगे. टॉपिक इज एस्टिमेशन टू द नियरेस्ट टेंस. फॉर दैट लेट अस कंसीडर दिस एग्जांपल. वी हैव नंबर्स फ्रॉम 152 टू 160. नाउ फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, विच एरोज आर क्लोजर टू 150. इनमें कौन से एरोज 150 के क्लोजर हैं? तो हमने देखा 152 एंड 154, ये दोनों एरोज 150 के ज्यादा क्लोज हैं एज कंपेयर टू 157 एंड 159. वी विल राइट 152 एंड 154, दे आर मोर क्लोजर टू 150. नाउ नेक्स्ट, विच एरोज आर क्लोजर टू 160, कौन से एरोज 160 के ज्यादा क्लोज हैं? तो वी कैन सी 157 एंड 159, ये दोनों एरोज 160 के ज्यादा क्लोजर हैं. सो आंसर इज 157 एंड 159. नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल. वी हैव नंबर्स फ्रॉम 1 to 20. वी हैव मार्क्ड 10 एंड 20. फर्स्ट पार्ट, इज 16 नियरर टू 10 और 20? क्योंकि 16 20 के ज्यादा क्लोजर है तो हम 16 को राउंड ऑफ करके 20 लिखेंगे और इसको हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ. राउंडिंग ऑफ करेक्ट टू द नियरेस्ट टेंस. नाउ नेक्स्ट पार्ट, इज 12 क्लोजर टू 10 और 20? 12 10 के ज्यादा क्लोज है या 20 के? तो ऑब्वियसली 12 10 के ज्यादा क्लोज है तो हम लिखेंगे 10 और हम जब 12 को राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आएगा 10. नोट, नंबर्स 1, 2, 3 एंड 4 आर क्लोजर टू 0 देन टू 10. 1, 2, 3 एंड 4 ये नंबर्स 0 के ज्यादा क्लोजर हैं एज कंपेयर टू 10. तो हम इन नंबर्स को एज 0 राउंड ऑफ करते हैं. तो 1 को राउंड ऑफ करके हम 0 लिखते हैं, 2 को राउंड ऑफ करके 0 लिखते हैं और इसी तरीके से 3 और 4 को भी राउंड ऑफ करके हम 0 लिखते हैं. तो दिस इज राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस. नाउ नेक्स्ट, नंबर्स 6, 7, 8, 9 आर नियरर टू 10. सो वी राउंड ऑफ दीज नंबर्स एज 10. इन नंबर्स को भी हम राउंड ऑफ करके 10 लिखते हैं क्योंकि ये नंबर्स 10 के ज्यादा क्लोज हैं. नंबर 5 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ 0 एंड 10. इट मीन्स नंबर 5 0 और 10 दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, राइट? इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस टू राउंड इट ऑफ एज 10. नाउ लेट अस टू प्रैक्टिस राउंड दीज नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस. तो सबसे पहले हमारे पास 28 है, हम 28 को चेक करेंगे. 28 20 और 30 के बीच में लाई करता है. इसको हम नंबर लाइन पे शो करेंगे. 20 और 30 के बिल्कुल मिडल में आएगा 25 और 25 के राइट साइड जब हम मूव करेंगे तो यहां कहीं पे आएगा 28. इट मींस 28 इज क्लोजर टू 30. तो जब हम 28 को नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करेंगे तो इसकी वैल्यू बनेगी 30. अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 28 इज 30. नेक्स्ट इज 32. 32 के लिए हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं रफ में. 32 लाई कर रहा है. 32 लाइज बिटवीन 30 एंड 40.
और इनके मिडल में देयर विल बी 35 और 32 35 के लेफ्ट में कहीं लाई करेगा, इट विल बी हेयर. इट मीन्स दैट 32 इज क्लोजर टू 30. तो जब हम 32 को राउंड ऑफ करेंगे टू नियरेस्ट टेंस, देन इट विल बी 30. ऐसे ही हम 52 को राउंड ऑफ कर सकते हैं. 52 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे वी विल गेट 50. 41 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे वी विल गेट 40, क्योंकि 41 लाई करता है 40 और 50 के बीच में, राइट? तो 41 कहां आएगा? 41 विल बी क्लोजर टू 40. सो इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू विल बी 40. 99 लाई करता है 90 और 100 के बीच में. 99 इज क्लोजर टू 100. सो जब हम 99 को राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आएगा 100. नेक्स्ट इज 215. 215 में हम लास्ट टू डिजिट्स 15 को देखेंगे. 15 लाई करता है 10 और 20 के बीच में. तो 15 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आएगा 20. तो इट विल बी 220. इन द सेम वे नेक्स्ट पार्ट 2936. इसमें भी हम लास्ट टू डिजिट्स को देखेंगे. 30 और 40 के बीच में लाई करता है. तो 36 40 के ज्यादा क्लोजर है. तो इस नंबर को राउंड ऑफ करके लिखेंगे 29 और 36 की प्लेस में आ जाएगा 40.